फ्रेंड्स, वादे के अनुसार मैं फिर नए इस वीडियो के साथ आप लोगों के साथ में हूँ। और मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि तीन दोस्तों के साथ तो आपकी परिचय हो गई है, और बाकी के दोस्त जो मेरे नेक्स्ट विंडो पे रहते हैं, मैं उनसे आज परिचय आपका करवाने जा रही हूँ, जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और मैंने उसे kyari.com से मंगाया है, और वो भी इंडोर प्लांट्स ही हैं, तो आइए उनसे मिलते हैं। देखिए, ये जो है ये मेरा मनी प्लांट है, और ये कितना सुंदर लग रहा है। इसको मैंने वाटर बॉटल में सजा रखा है, ये टूट गया था मेरे बेटी का, तो इसी में मैंने इस मनी प्लांट को लगा दिया है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और ये देखिए कैसे झुक के ये अपनी दोस्ती करना चाह रहा है ये ब्रोकन हार्ट से। ब्रोकन हार्ट का जो ये है, ये भी मनी प्लांट की तरह ही होता है। देखिए, इसके जो पत्ते होते हैं ये बीच में थोड़ा सा होल रहता है इसका, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। तो ये मनी प्लांट का जो पौधा है, ये नीचे वाले इस ब्रोकन हार्ट से देखिए कैसे दोस्ती करने के लिए एकदम झुका चला आ रहा है। तो दोनों में दोस्ती हो ही जाएगी कभी ना कभी। खैर, ये तो अभी मैंने जस्ट मंगाया है ब्रोकन हार्ट को, तो इसको इसी के पास में रख दिया है कि चलो भाई नई दोस्तों से दोस्ती कर लो तुम भी। और ये देखिए, ये जो है इसको, इसका नाम है फिटोनिया। ठीक है, ये फिटोनिया है, और इसकी जो पत्तियां हैं देखिए कितनी सुंदर लगती हैं एकदम। इसकी जो नर्व्स टाइप की जो धारी है पिंक कलर की, ये छोटा पौधा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो जब बड़ा हो जाएगा तो मैं फिर से इसको दिखाऊंगी कि ये कितना सुंदर लग रहा है। फिर ये देखिए, ये है जेड प्लांट, जिसको लकी जेड भी कहते हैं। और ये मान्यता है कि ये जिसके भी घर में रहता है ये जल्दी सरवाइव करता नहीं है, लेकिन अगर ये रहता है किसी के घर में तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न रहती है उनके ऊपर, तो इसलिए मैंने उनको खुश करने के लिए ये जेड प्लांट भी लगा दिया है। और ये देखिए, ये खूबसूरत सा पौधा जो है पिपोरोमिया ग्रीन का, ये बहुत सुंदर लगता है, और इंडोर प्लांट सजावट के रूप में आप इसे टेबल टॉप के ऊपर भी रख सकते हैं। मैं इसे तो ऐसे विंडो के ऊपर रखी हुई हूँ, देखिए ये विंडो के ऊपर कितना सुंदर लग रहा है मेरा सारा पौधा। तो इस तरीके से मैं इसे यहाँ पे सजा के रख देती हूँ, ताकि जब मैं सुबह उठती हूँ, मैंने आपको जैसा बताया कि इधर से मेरा जो है ये ईस्ट जो है, ईस्ट का दिशा है, तो यहाँ से सनराइज मैं आराम से देखती हूँ जब, तो साथ में ये ग्रीनरी भी मुझे दिखता है। तो मैं इसे यहाँ पे खिड़की के ऊपर ही यहाँ पे सारे को अपने दोस्तों को रखी हुई हूँ। तो ये पेपरोमिया ग्रीन हो गया। और ये देखिए, ये जो है ये पिंक लिपस्टिक है, एग्लोनीमा इसे कहते हैं, एग्लोनीमा ग्रुप का ये पौधा है। और पिंक लिपस्टिक क्योंकि ये इसके जो पत्तियां हैं ये साइड में पिंक हैं, तो इसका नाम पिंक लिपस्टिक रखा गया है। ये बहुत खूबसूरत इंडोर प्लांट है, इसको भी मैंने kyari.com से मंगाया है, और इसको भी देखिए मैंने सेल्फ वाटरिंग पॉट में ही रखा है, क्योंकि इसको भी बहुत कम पानी चाहिए होता है, लेकिन पानी तो चाहिए होता है, कभी मैं ड्यूटी चली जाती हूँ तो फिर मेरे पौधे सूख जाते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल पॉट है उसके लिए। तो ये मैंने आपको दिखाया, बहुत सारे मेरे दोस्त जो नए अभी आए हैं, ब्रोकन हार्ट है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये ब्रोकन हार्ट का पौधा है, ये मनी प्लांट का है, ये फिटोनिया हो गया, एंड दिस इज एग्लोनीमा पिंक लिपस्टिक, एंड दिस इज द जेड। और देखिए, इसी खिड़की पर एक और प्लांट है, ये जनरल सा प्लांट है, और इसको जानते हैं क्या नाम इसका है? इसका है हार्ट ऑफ जीसस। और ये बहुत ही साधारण सा प्लांट तो है, बहुत जगह आसानी से मिल जाता है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है। बचपन में इसके पत्तों को हम लोग क्या करते थे कि बुक और कॉपी के अंदर दबाते थे और इसके ऊपर पेंटिंग किया करते थे। तो मैंने इसे लगा दिया है यहाँ पे, और ये जो है ये मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी का पॉट है। इसको मैं लाई थी जब मंदिर गई थी, शिव मंदिर गई थी, तो वहाँ पे ये शिव जी का जो जलाभिषेक होता है वो करने के बाद ये पॉट रह जाता है पास में, तो उसमें मैंने ये पौधा लगा दिया है। देन ये एक है, ये भी इंडोर प्लांट है और शो का ही प्लांट है, तो ये भी बहुत सुंदर लगता है, इस तरीके से मैंने लगा दिया है। तो इसको मैंने, इसको भी इसी पॉट में लगाया है। देखिए, ये जो पॉट मिट्टी का है, मिट्टी में क्या होता है ना कि पौधे जल्दी मरते नहीं हैं, इसलिए मिट्टी बहुत अच्छा होता है, मिट्टी का गमला, मिट्टी का पॉट यूज़ करना चाहिए।
और ये देखिए यहाँ तो थोड़ा सा लाइट के वजह से आपको प्रॉपर वे में दिख नहीं रहा होगा। ये है जूस प्लांट। जूस प्लांट क्या है कि ये देखिए, ये जूस का पौधा है। ये एक तरह से क्लाइंबिंग प्लांट होता है। तो अभी मैंने इसे ऐसे ही यहाँ पे लटका दिया है और थोड़े ही दिन में ये थोड़ा सा और बहुत घना हो जाएगा तो और भी खूबसूरत लगेगा। तो ये देखिए ढेर सारा इस खिड़की पे पौधा हो गया है मेरा। कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि नए दोस्तों से दोस्ती करवाऊंगी, तो नए दोस्तों में ये मेरा एग्लोनीमा है, देन ये जेड है, देन ये एरेलिया ग्रीन है, देन ये ब्रोकन हार्ट है, एंड ये फिटोनिया। ये सारे दोस्त पुराने दोस्तों के साथ मिलके सब अपना बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। ये तो हुई एक विंडो की बात। और एक विंडो जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसे मैंने तीन दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराया था आप लोगों से। और ये कुछ और दोस्त मेरे जो मैंने अभी आपको मिलवाया सबसे, और भी कई दोस्त को मैंने अपने घर में मतलब कि रखा है, आउटडोर में रखा है बहुत सारा। क्योंकि क्या हुआ ना कि गर्मी का सीजन जो अभी गया और बरसात जो आया, तो गर्मी के सीजन में मेरे बहुत सारे पौधे मेरे सूख गए थे मेरे नेग्लिजेंस के वजह से ही। और काफी गर्मी भी पड़ी थी तो बहुत सारे पौधे मेरे सूख गए थे। सारा मेरा जो पॉट है, गमला है, बिल्कुल खाली खाली सा, अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था। आप खुद ही सोचिए, दोस्तों के बिना जीना ही क्या होता है। तो बस मैंने सोचा कि नहीं, अभी बरसात हुआ है, अभी पौधा लगाने का समय है। तो मैंने इस सीजन में अभी बहुत सारा पौधा खरीदा है, कुछ इंडोर प्लांट्स खरीदे हैं, ऐसे प्लांट्स जो जल्दी नहीं मरते हैं, सरवाइव करते हैं, वो थोड़ा सा नॉटी होते हैं। तो इस तरह के पौधे मैंने इंडोर्स में रखे हैं, और आउटडोर में भी मैंने कुछ पौधे खरीदे हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, मिलवाऊंगी उन लोगों से। तो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। सो बाय बाय।